इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने, एनडीबीएस स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की बेल की अर्जी खारिज कर दी है। आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल की अर्जी भी खारिज कर दी गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, न केवल एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत खरीद बल्कि उनके पर कंजम्पशन का भी केस था और साथ ही साथ अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी का केस था। मेरे साथ इस समय दिव्येश जुड़ रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से। दिव्येश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एविडेंस क्या कोई प्रोड्यूस अब तक कर पाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि आर्यन खान से तो ना ड्रग्स मिले थे ना उनके पास पैसा था, उनको कैसे लिंक किया इस पूरे मामले में? गौरव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बार बार जब भी कोर्ट में दलीलें पेश की गई हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि इस केस में जब सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, विच इज जो कि कॉन्स्पिरेसी के लिए होता है, ये लगा हुआ है और इसी वजह से भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद ना हुए हों, वो अन्य आरोपियों से जुड़े हुए हैं। अरबाज मर्चेंट उनके दोस्त हैं, अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। ये चरस कहाँ से आई, इस चरस को प्रोक्योर करने में आर्यन खान का रोल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट को बताया। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह भी कोर्ट को बताया कि जो 6 ग्राम चरस मिली थी ये सिर्फ अरबाज मर्चेंट के कंजम्पशन के लिए नहीं थी, बल्कि इसको आर्यन खान भी कंज्यूम करने वाले थे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट्स, कन्फेशनल स्टेटमेंट दोनों को ही कोर्ट के जज के सामने रखा गया था पिछली बार हियरिंग के दौरान, और इन दोनों ही चीजों को दिखाया गया था ये साबित करने के लिए कि ये पहली बार नहीं है कि ड्रग कंजम्पशन की बात हो रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये दावा है। अदालत में किस तरह से दलील पेश की गई थी, क्योंकि आर्यन खान, मुस्तफा आर्यन खान के वकील लगातार ये कह रहे थे कि उनके पास से ना कोई सबूत मिला है ना उनके ब्लड स्ट्रीम में किसी तरह के ड्रग्स की बात की गई थी, तो उनकी दलील को किस आधार पर खारिज किया? ऑपरेटिव पोर्शन के अलावा और क्या जानकारी अभी हमें मिल पाई है, किस आधार पर बेल रिजेक्ट की गई? जी बिल्कुल गौरव, इस पूरे मामले में जब ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर सामने आता है तो ये बात समझ में आएगी कि क्या आखिर वो ग्राउंड रहे हैं जिसमें इस बेल को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। लेकिन आप ये बात मानकर चल सकते हैं कि इस ऑर्डर के जो रिपरकशंस है वो भी बाकी केसेस पर रहेंगे, क्योंकि जितना आप देखें कि एनसीबी की जो कार्रवाई रही है 1.5 से 2 सालों में, उसमें जो इन केसेस में आरोपी अरेस्ट होते हैं उनके लिए बेल मिलना काफी मुश्किल होते जा रही है। जो बेलेबल सेक्शंस थे वो रिया चक्रवर्ती के बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद नॉन बेलेबल हो गए, और अब कंजम्पशन के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट में वकील बता रहे हैं कि बेल मिल जाया करती थी, लेकिन अब इस केस में नहीं मिला है, तो वो क्या रीजन रहा है जिसके चलते बेल नहीं दी गई है, ये बात तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसी में पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है जो इस केस में स्टैंड आउट कर रही थी वो ये है कि कॉन्स्पिरेसी एंगल की जो बात की गई थी, 20 आरोपी अरेस्ट करने की जो बात की गई थी, फॉरेन नेशनल के साथ आर्यन खान के चैट की जो बात की गई थी, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं कोर्ट ने तथ्य पाया है। जो व्हाट्सएप चैट्स सामने रखे गए, कोर्ट को दिखाए गए, कन्फेशन जो पंचनामे के जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं वो अपनी तरफ से पूरी उन्होंने कोशिश करी है, कोशिश लगातार की है, सबने आर्ग्यूमेंट की है, सबकी तरफ से पूरी उम्मीद है आज इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए। फिर से आर्ग्यूमेंट के लिए आज टाइम मांगने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं है, इट्स ओनली मेड फॉर ऑर्डर्स, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। बेल मिल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो सबको है। सर, बेल रिजेक्ट, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर बेल रिजेक्ट आएगी, जो जानकारी मिल रही है कि बेल रिजेक्ट हो गई है। जानकारी अगर आपको मिली है, मुझे तो मिली नहीं है, मुझे मिली नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अरबाज की बेल रिजेक्ट हो गई है सर, मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग ऑन टॉप। थैंक यू। तो वकीलों को उम्मीद है कि बेल मिल जाएगी, लेकिन सेशंस कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो चुकी है। किस आधार पर
मुस्तफा आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो सेक्शंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगाए, खासतौर पर सेक्शन 29 और सेक्शन 35, ये बड़ी चिंता की बात है। मुस्तफा ये दोनों सेक्शंस आर्यन खान और बाकी आरोपी जो उनके साथ है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, उनके लिए बड़ी चिंता की बात होंगे। कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल एक्ट। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सुबह से बता रहे थे दर्शकों को कि ऐसे पहले भी केसेस रहे हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस में भी जो बेल है वो ग्रांट की गई है, लेकिन शायद हर केस अलग होता है और आप कह सकते हैं कि ब्रॉड भले ही सेक्शन सेम हो लेकिन उसकी भी जो नेटिग्रिटीज होती है, जैसे कि खुद जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने पूरा एनसीबी का ये जो केस है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक आर्ग्यू किया हुआ है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एनसीबी की तरफ से प्रेशर था। दूसरा, जो सारे एविडेंसेस सामने रखे गए, व्हाट्सएप चैट्स और ये सारी चीजें शायद ये बाकी के केसेस में सामने नहीं रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई सबूत ऐसा या कोई ना कोई ऐसा सुराग पाया है। और सारी बातें आपको बता दें कि जैसे दिव्येश बार बार बता रहे हैं कि ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेल के दौरान, ट्रायल के दौरान एविडेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भले ही सबूत फिलहाल एनसीबी के पास ना हो लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है वो एनसीबी को एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सोसाइटी से ड्रग मैनर्स हटाने का काम कर रही है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ये बेल को अपोज किया गया था उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात में तथ्य मानते हुए ये बेल को रिजेक्ट किया है, क्योंकि जो डिफेंस लॉयर्स हैं इस पूरे केस को सिर्फ एक कंजम्पशन के बेनिफिट ऑफ डाउट तो अक्यूज्ड को मिलना चाहिए। ये तो एनसीबी के ऊपर है कि वो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाए। एनसीबी अगर बल्क बाइंग की बात कर रही है, बल्क बाइंग का आरोप लगा रही है, तो बल्क बाइंग के सबूत कहां है इस केस में? अभी तक कोई सबूत उन्होंने पेश किए या इस स्टेज पर मुस्तफा सबूत पेश करना आवश्यक नहीं है एनसीबी के लिए? जी बिल्कुल, भले ही इस स्टेज पर जो एविडेंस की हम बात कर रहे हैं उतने एविडेंसेस नहीं पेश किए गए हों, लेकिन एनसीबी ने समय जरूर मांगा। एनसीबी ने यह भी कहा कि एमईए से जो संपर्क है वो किया जा रहा है, आर्यन खान की जिस शख्स के साथ चैट्स थी उस शख्स को ढूंढा जा रहा है, उसे कह सकते हैं कमर्शियल क्वांटिटी डिस्कस हो रही थी उस व्हाट्सएप चैट्स में, ये कहा जा रहा है। तो ये सारी बातों का संज्ञान कहीं ना कहीं कोर्ट ने लिया है और बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों चीजों लोगों को मिल सकता है, दोनों पक्षों को मिल सकता है। तो इस वक्त जो बेल रिजेक्ट हुई है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन को ये बेनिफिट ऑफ डाउट इस वक्त दिया गया है, बेल रिजेक्ट की गई है। अब आगे जो डिटेल्ड ऑर्डर आता है उसमें ग्राउंड्स तो पता चल ही जाएंगे, साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि अब जब प्रेसिडेंट्स व्हिच वी वर रिलाइंग अपॉन, बट अनफॉर्चूनेटली व्हाट द ऑर्डर हैज कम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दो द होल ऑर्डर इज नॉट येट कम, बट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग हियर एंड व्हाट सी आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज़ द ऑर्डर इज येट टू कम इन हैंड, बिकॉज़ वी विल फर्स्ट हैव टू प्रोड्यूस द ग्राउंड्स। वकील जो अदालत से निकल कर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हें इस आदेश की यानी बेल खारिज होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उनको यह उम्मीद थी कि 3 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा गिरफ्तार किए गए थे इंटरनेशनल टर्मिनल से जब वो गोवा के क्रूज पर जा रहे थे, तो आज 20 अक्टूबर को इतने दिनों बाद बेल मिल ही जाएगी, लेकिन बेल खारिज कर दी गई है। ग्राउंड्स क्या है यह अभी जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसके आधार पर पता चलेगा, और उस आधार पर सुपीरियर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में वकील बेल के लिए अपील करेंगे। लेकिन आर्थर रोड जेल में इस समय क्या हो रहा है? आर्यन खान और बाकी अक्यूज्ड जो एप्लीकेंट्स हैं इस केस में वो इस समय आर्थर रोड जेल में हैं, और मेरे सहयोगी दिव्येश और सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आर्यन खान के परिवार को और बाकी एप्लीकेंट्स के परिवार को आज उम्मीद थी कि उन्हें बेल मिल जाएगी, क्या ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिली, जबकि उन्होंने दलील दी थी कि आर्यन खान ने तो कंजम्पशन नहीं किया था? बिल्कुल गौरव, देखिए लगभग 17 दिन का समय बीत चुका है, आर्यन खान और बाकी के जो आरोपी है वो आर्थर रोड जेल के अंदर है। इस वक्त मैं पहले तो आपको आर्थर रोड जेल के विजुअल्स दिखा दूं, इसी जेल के अंदर आर्यन खान और बाकी के आरोपी मौजूद है। देखिए गौरव, जब तक वो क्वारंटाइन बैरक में थे तब तक तो चीजें सही थी, क्योंकि एक ही बैरक के अंदर रहना है,
बाकी के उनके साथी भी एक साथ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही अब क्वारंटाइन बैरक से बाहर निकले हैं पिछले हफ्ते, अब आपको बता दूं बैरक नंबर एक में रखा गया है गौरव, बैरक नंबर एक में टोटल 4 सेल है और एक सेल के अंदर 100 से ज्यादा कैदी मौजूद है और उन 100 कैदियों के बीच में एक पतली सी चादर और कुछ चीजों को लेकर बस आर्यन खान इस जेल के अंदर मौजूद है। जो सोर्सेज है गौरव, जेल के सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और लोगों से जो आसपास के जो प्रिजनर्स हैं उनसे जब भी वो बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए स्टार किड है, बड़े सेलिब्रिटी के बेटे है, कभी जेल की हवा उन्होंने खाई नहीं है, तो जेल में नॉर्मल चीजों में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो जेल का खाना भी उनको पसंद नहीं आता, तो वो जेल का जो खाना था तो बाकी के प्रिजनर्स को दे देते थे, पूरा दिन वो पानी के सहारे स्नैक्स में उनको बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह खा लिया, तो इस तरीके से पूरा वो दिन बिताते, लेकिन कभी ना कभी तो खाना खाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कोई स्पेशल VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर घर के कपड़े तो आप पहन सकते हैं लेकिन घर का खाना आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लगेगी। तो आपको बता दूं बहुत डिफिकल्ट समय आर्यन खान के लिए इस वक्त आर्थर रोड जेल में चल रहा है और गौरव अब तो और कई दिन काटने पड़ेंगे क्योंकि देखिए पूरी प्रक्रिया है। अब जैसे ही पहले तो ऑपरेटिंग ऑर्डर आएगा, पूरा एक बेल ऑर्डर आएगा, फिर उस बेल ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, किस ग्राउंड पर बेल को रिजेक्ट किया गया है, उसके आधार पर अब फ्रेश एप्लीकेशन उनको बॉम्बे हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। एप्लीकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएगी, लेकिन उससे पहले मुंबई के आर्थर रोड जेल में किस तरह की दलीलें पेश की गई जिसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस को ज्यादा तरजीह दी गई। मुस्तफा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तथ्यों के आधार पर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, इन तीनों की भूमिका के बारे में खासतौर पर, कुल मिलाकर 20 आरोपी है इस केस में, कुछ अलग ड्रग पेडलर्स भी अलग से पकड़े गए हैं, लेकिन इन तीन आरोपियों के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्या कहना है। 5 ग्राम, 1 से 6 ग्राम, 1 से ड्रग्स पकड़े गए थे, लेकिन उसको लिंकअप कैसे कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो तीन आरोपियों की अभी बेल रिजेक्ट की गई है, उन्होंने इससे पहले भी कंजम्पशन किए हैं, वो लोग इंटरनेशनल जो ड्रग्स सप्लायर्स हैं उनसे, फॉरेन नेशनल्स हैं उनसे भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए टच में रहते थे। आर्यन खान को जो ड्रग्स आप कह सकते हैं कि जो अरबाज मर्चेंट से मिला है वो आर्यन खान कंज्यूम करने वाले थे, ऐसा पंचनामे में कन्फेशन है। NCB ने आगे जाकर के जिस शख्स ने अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई किया था उसे भी गिरफ्तार किया था और कई फॉरेन नेशनल्स को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं NCB का ये कहना है कि ये ड्रग है जो काफी समय से एक्टिव है, ये काफी समय से ड्रग्स इन्होंने लिए हैं और ये कई और लोग हैं जो इस तरह के कंजम्पशन में शामिल है और आर्यन खान के फोन से उन लोगों के सुराग भी ढूंढे जा रहे हैं। तो जब इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की जो बात है NCB ने सामने रखी थी तो उसमें जैसे कि हमारी सहयोगी विद्या बता रही थी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग केसेस सामने रखे जाते हैं तो उसके आप कह सकते हैं कि वो ज्यादातर जो है रिलीफ ग्रांट नहीं करते है, तो इसीलिए अब द बॉल इज इन द हायर कोर्ट्स विच इन विच हाई कोर्ट आप डिसाइड करेगी कि क्या उन्हें बेल देना चाहिए या नहीं। लेकिन यह भी एक बहुत दिलचस्प बात रहेगी गौरव कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, बेल के एप्लीकेशन फाइल होती है, क्या NCB कोई नए एविडेंस के साथ सामने आती है, क्योंकि फोन जो है वो खंगाला जा रहा है, NCB की तरफ से सारी डिटेल उसमें से निकाली जा रही है। सूत्रों के हवाले से आज से ये खबर आ रही है आज तक के पास के कोई जो बडिंग एक्ट्रेसेस हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, आर्यन खान के साथ ड्रग्स को लेकर उनके उनकी चैट्स हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है कभी ना कभी ये आप कह सकते हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, अगर NCB की जो थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी की वो सही है तो नए नए सबूत आर्यन खान के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ आते जाएंगे। हालांकि कमर्शियल क्वांटिटी का चार्ज नहीं था, फिर भी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल रिजेक्ट कर दी गई। गौरव, कानून इस पर क्या कहता है, व्हाट्सएप चैट को किस तरह से सबूत माना जा सकता है, अगर कोराबोरेटिव एविडेंस है, अगर उन तथ्यों के आधार पर और सबूत निकल कर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो बल्क डील्स की बात कर रहा है कि विदेश से बड़े ड्रग्स की खेप को भारत लाने की बात चल रही थी, दिव्येश इसके सबूत क्या है अभी तक पब्लिक डोमेन में या अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कोई सबूत पेश कर पाया है आर्यन खान के इस ड्रग रैकेट में संलिप्त होने के आरोप पर?
जी गौरव, आपको बता दें कि जो बल्क डील की आप बात कर रहे हैं, बल्क प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट के सामने उन्हीं व्हाट्सएप चैट्स को रखा है जहां पर आर्यन एक विदेशी नागरिक से बातचीत कर रहे हैं बल्क प्रोक्योरमेंट के बारे में, बल्क मतलब ज्यादा खेप में ड्रग्स खरीदने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसे भी जज को दिखाया गया था एनडीपीएस कोर्ट के, और कहा जा सकता है कि ये भी एक ग्राउंड रहा जिसे ध्यान में रखते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया हो। अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर बाहर नहीं आया है, पर यह भी जज को दिखाया गया था, इस चैट को भी दिखाया गया था, और इसी एविडेंस के तहत एनसीबी ये दावा कर रही थी कि ये पहली बार नहीं है कि आर्यन खान ड्रग्स प्रोक्योर कर रहे थे। इससे पहले वो ज्यादा मात्रा में, खेप मात्रा में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स प्रोक्योर करने की बातें लोगों से कर रहे थे और विदेशी नागरिकों से कर रहे थे, जिसके लिए विदेश मंत्रालय की भी मदद मांग रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ताकि जो विदेशी नागरिक है उसके बारे में डिटेल्स पता लगाई जा सके और आगे की छानबीन की जा सके, आगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सके, आगे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। जब से दिवेश, जब से आर्यन खान को पकड़ा गया, यानी 3 अक्टूबर की रात से, आर्यन खान से इंटरोगेशन के बाद क्या कोई सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं? मोबाइल फोन उनका खंगाला, उसके आधार पर कोई सबूत मिले, उसके आधार पर क्या कोई गिरफ्तारी हुई, इसके कोई सबूत? और ये जो एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं कथित तौर पर, मुस्तफा जिसका जिक्र कर रहे थे कि कुछ बडिंग एक्ट्रेसेस, नई कुछ फिल्म अभिनेत्रियों की बात, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी गौरव, आपको बता दें जो पहला सवाल आपने किया था कि जो व्हाट्सएप चैट्स थे या जो एविडेंस आर्यन के गिरफ्तारी के बाद सामने आया, इसके वजह से कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं, जी हाँ, इसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। और अचित कुमार नामक एक ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पवई इलाके से मुंबई में अरेस्ट किया, वो भी इस केस में आरोपी है। 20 आरोपियों में से एक आरोपी अचित कुमार है। अचित कुमार का नाम एनसीबी ने ही कोर्ट को बताया था कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ने उसकी डिटेल्स दी थी, उसके बारे में बताया, और तभी जाके अचित कुमार को अरेस्ट किया गया, उसे उसके घर पर रेड की गई और उसके घर से छोटी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। पर अचित कुमार को इस केस में बुक किया गया है, इस केस में अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनसे जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनसे जुड़े अन्य लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ विदेशी नागरिक भी हैं जिन्हें इस केस में अभी तक अरेस्ट किया गया है। ठीक, पर अगर डायरेक्ट लिंक कहें कि आर्यन खान की स्टेटमेंट से या आर्यन खान के चैट से अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, तो वो व्यक्ति हैं अचित कुमार, जिन्हें पवई मुंबई से अरेस्ट किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए बड़ा झटका, उनके साथ जो दो और आरोपी है मुंबई ड्रग क्रूज मामले में, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल की अर्जी खारिज कर दी है मुंबई के सेशंस कोर्ट ने। अब उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा बेल के लिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब बेल ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी उन्हें मिल जाएगी, उसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर वो हाईकोर्ट जाएंगे। मुस्तफा, क्या अभी इसमें क्लैरिटी है कि वो सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी मिलने में कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, अभी आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों का समय जा सकता है, क्योंकि वो जो कॉपीज हैं ये अपलोड की जाती है अक्सर, अगर अभी डिटेल्ड ऑर्डर रेडी ना हुआ तो, अगर डिटेल्ड ऑर्डर रेडी होगा तो कुछ घंटों में ही वो सर्टिफाइड कॉपी और लॉयर्स के हाथ में लग जाती है, कभी कभी कई दिन भी लगते हैं। अगर बैकलॉग हो जो ऑर्डर्स हैं जो इस कोर्ट में पास किए हैं उसमें कुछ बैकलॉग होगा तो उस हिसाब से टाइम भी लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो नए आर्ग्यूमेंट्स है उसे करने के लिए जो वकील है बचाव पक्ष के, फिर आर्यन खान के, अरबाज मर्चेंट के, मुनमुन धमेचा के, उन लोगों को ऑर्डर कॉपी लगेगी। डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी के बाद ही आप कह सकते हैं कि वो लोग इस चीज में आगे बढ़ेंगे और एक अपना अपील फाइल करेंगे बेल के लिए इन तीनों आरोपियों के, और उस ग्राउंड को चैलेंज करेंगे जिस ग्राउंड पर सेशंस कोर्ट ने उन्हें बेल रिजेक्ट किया गया। तो अब ये देखना होगा कि वो क्या ग्राउंड है जिसपे बेल रिजेक्ट हुआ है, क्या वो व्हाट्सएप चैट्स हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल है जैसे कि दिवेश बता रहे हैं कि कई लोगों को अरेस्ट किया गया, या फिर कुछ और। ये
डिटेल ऑर्डर सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। रहिए मेरे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया का क्या कहना है, जल्दी से सुन लेते हैं। उद्धव ठाकरे दादागिरी मुळे 11 निर्दोष लोकांवर अटक केली, एवढी माफिया सरकार आहेत, पण शेवटी न्याय जो आहे हा सामान्य माणसांना मिळतो। भावना गवळी किती दिवस कहा यह जाता है मुस्तफा कि बेल नॉट जेल इज द नॉर्म, यानी केसेस में बेल मिलना किसी भी आरोपी के लिए मुख्य है, जेल नहीं। लेकिन यह मामला अलग क्यों है? क्या यह ड्रग्स का मामला है इसके लिए? क्योंकि आरोप यह भी लग रहा है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है, भारत के इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा है और इसीलिए उसे एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। आपकी तमाम वकीलों से बात हुई और खासतौर पर बचाव पक्ष के वकीलों से बात हुई, उनका इस पर क्या कहना है मुस्तफा? जी बिल्कुल, अगर आप पूरे केस पर नजर डालें तो एक तरह से जो बचाव पक्ष के वकील हैं इस केस को एक सामान्य केस की तरह देख रहे हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया है, लेकिन एनसीबी जो है इस पूरे केस को एज अ कॉन्स्पिरेसी देख रही है और ड्रग रैकेट के तौर पर देख रही है जिसमें फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जब प्रेसिडेंट से हटकर एक ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो ये वजह है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो इस केस में प्रोसिक्यूशन को दिया गया है। दूसरी दलील ये है कि अगर एक काफी बड़े एलिगेशन जिस केस में लगाए गए हैं तो लोअर कोर्ट्स अक्सर इस चीज में आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का ऑर्डर और रिलीफ देने से थोड़ा कतराते हैं और इसीलिए ये बेल रिजेक्ट की गई है। तो अगर जो कॉन्स्पिरेसी के एंगल्स हैं उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है तो अब ये आप कह सकते हैं कि एनसीबी के ऊपर होगा और साथ ही साथ हाईकोर्ट से भी रिलीफ मिलने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसे एविडेंसेस लगेंगे जो इस बेनिफिट ऑफ डाउट के अगेंस्ट हो, वरना हाईकोर्ट भी जो पहला व्यू लेगा वो प्रोसिक्यूशन का व्यू लेगा कि जो दावे वो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें जो फेयर अमाउंट ऑफ टाइम है वो दिया जाना चाहिए। फिर सामने कोई भी आरोपी हो, किसी की भी बेल की अर्जी हो, प्रोसिक्यूशन अगर कोई आप कह सकते हैं टाइम मांग रहा है तो उसे भी बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो दिया जा सकता है। तो इस केस में वही हुआ है ऐसा लगता है कि जो दावे किए गए थे, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात की गई थी, वो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जो है बेल रिजेक्ट की है। तो अब उस बेल को अगर हाईकोर्ट को ग्रांट करना है तो उनके पास ग्राउंड होने चाहिए। ग्राउंड ये होंगे कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो आर्यन खान और बाकी आरोपियों को जेल के पीछे और रखने के लिए इनफ नहीं है, या फिर अगर इस पूरी हियरिंग के दौरान बेल के दौरान कोई और जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं तो ये भी देखना होगा कि बेल फिर से हाईकोर्ट में भी रिजेक्ट हो सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और मेरिट पर अगर एनसीबी आर्गुमेंट करती है तो शायद हाईकोर्ट भी ये केस को कंसिडर करेगा। इससे पहले कि मैं दिवेश को लेकर आऊं कि फेयर अमाउंट ऑफ टाइम होता क्या है, हमारे साथ सौरभ वक्तानिया भी है मुंबई की आर्थर रोड जेल से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दिवेश, ये जो फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, उचित समय जांच के लिए जो दिया जाता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, दावे बड़े, सबूत पब्लिक डोमेन में फिलहाल नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, इन तीनों के क्या कोई व्हाट्सएप चैट्स हैं जो इसे कॉन्स्पिरेसी के केस से जोड़ते हैं? जी आपको बता दें कि आर्यन खान ने स्वयं अपनी स्टेटमेंट में ये कबूला है और बार बार उनके वकीलों ने भी ये कहा है कि अरबाज मर्चेंट उनके बचपन के दोस्त हैं और अरबाज मर्चेंट का भी यही कहना है। जो पंचनामा है, स्पॉट पंचनामा, जहां पर अरबाज मर्चेंट के जूतों से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई, 6 ग्राम चरस बरामद की गई, उसी पंचनामे में ये लिखा गया है कि ये 6 ग्राम चरस इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए है। भले ही ये अरबाज मर्चेंट के पास पाई गई पर इसे आर्यन खान भी कंज्यूम करने वाले थे। मुनमुन धमेचा का ये कहना है कि ना वो आर्यन खान को जानती हैं ना अरबाज मर्चेंट को जानती हैं, और उसी तरीके से अरबाज मर्चेंट आर्यन खान भी यही मेंटेन करते हैं कि वो मुनमुन धमेचा को नहीं जानते। अब जो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके का समय दिया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ग्राउंड यही पेश करती आ रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि क्योंकि इन्फ्लुएंशियल अक्यूज्ड एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से है, क्योंकि अभी बहुत पर्याप्त समय पूरी तरीके से नहीं मिला है, विदेशी नागरिक का नाम सामने आ रहा है जी,
विदेश मंत्रालय को संपर्क किया गया है ठीक। और अन्य बहुत सी रहिए मेरे साथ, हम सीधे चलते हैं। मेरी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या उस समय अदालत के अंदर थी जब कोर्ट में जज अपनी बात कर रहे थे। विद्या, स्पेशल जज वीवी पाटिल, क्या कहा उन्होंने अदालत में, दोनों पक्षों की क्या प्रतिक्रिया रही? जी देखिए, ज्यादा कुछ तो नहीं कहा। जैसे ही जज वीवी पाटिल बैठे, उन्होंने सीधे कह दिया कि तीनों बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड हैं। और तुरंत, हालांकि देखिए, जैसे भी हर बार होता है कि डिफेंस जो है जनरली प्रिपेयर्ड रहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ रिजेक्ट हुआ तो हाईकोर्ट तुरंत उसका रुख किया जा सके, ताकि 5 बजे जब हाईकोर्ट की रजिस्ट्री बंद होती है उससे पहले रजिस्टर हो सके। तो कोशिश जो डिफेंस की है वो तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच करने की है, और वो कर रहे हैं ये। लेकिन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो जिस तरह से इस पूरे मामले को रखा था अदालत के सामने, उससे जो है वो प्रयोजन पक्ष, जो बेसिकली जो एनसीबी के अधिकारी हैं और साथ ही जो उनके दूसरे वकील हैं, वो काफी खुश नजर आए। उन्होंने यहां तक कि कहा कि वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि यही आदेश आएगा, और ऐसा ही आया। एनसीबी का पूरी तरीके से मानना है कि फिलहाल बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेजी से चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा, क्योंकि आर्यन खान एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, बड़ी फैमिली से है। भले ही वो यहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विटनेसेस को। अंतर्राष्ट्रीय विटनेसेस हैं इस पूरे मामले में, इसलिए अगर विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आरोपियों को और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इस पूरे केस का रुख बदल जाए, जैसा कि एएसजी ने भी अदालत को बताया था। और यही वजह है कि अदालत ने भी यही लगा, क्योंकि ज्यादातर अगर आप केसों में देखेंगे, हालांकि इस मामले में डिटेल्ड ऑर्डर अभी आया नहीं है, लेकिन जो निचली अदालत होती है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत कम हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, और अगर करती भी है तो काफी देर बाद, जब तक चार्जशीट फाइल करने का समय आता है तब करती है। तो इसीलिए अभी फिलहाल, क्योंकि 18-20 दिन हुए हैं, अभी तो काफी लंबा समय है जब चार्जशीट इस मामले में फाइल होगा, तो जब चार्जशीट फाइल होती है तब इन्वेस्टिगेशन माना जाता है कि थोड़ा बहुत खत्म होने पर आ गया है। तो अभी तो बहुत लंबा समय है, और इसीलिए इतनी जल्दी बेल दे देना निचली अदालत को शायद सही नहीं लगा होगा, इसीलिए ये बेल नहीं मिला। हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर इस पूरे मामले में अभी थोड़ी देर बाद आएगा। क्या डिटेल्ड ऑर्डर आज शाम हाईकोर्ट की रजिस्ट्री खुलने तक आने की उम्मीद है विद्या? क्योंकि अगर हुआ तो ये अपील कर पाएंगे बेल के लिए सुपीरियर कोर्ट में, हाईकोर्ट में, अगर नहीं तो ये मामला और लटकने का डर है। ये देखिए, कोशिश सबकी यही जारी है, सबने यही कहा कि जल्द से जल्द अदालत से दरख्वास्त की है कि जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द मिल जाए। अदालत की भी कोशिश यही है। देखिए, अब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इस मामले में। अगर आप देखें, अमित देसाई खुद जो आर्यन खान के वकील थे, उन्होंने 2 घंटे लिए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी कुछ तकरीबन इतना ही समय लिया था। तो दोनों पक्षों की तरफ से जब 3-4 घंटे की बहस हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उन सबको लिखने में और उसके बाद साइटेशन देके, उसके बाद आधे अपने ऑब्जर्वेशन के बाद ऑर्डर पे आने पे काफी समय लगा होगा जज को। और यही वजह है कि शायद ये लंबा भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिव ऑर्डर उन्होंने दे दिया है, कह दिया कि तीनों जो बेल एप्लीकेशन हैं, मुनमुन धनेचा के, अरबाज के और आर्यन के, तीनों रिजेक्टेड हैं। तो अदालत से जो निकले जो जूनियर्स हैं, सतीश मानी शिंदे के कह लीजिए, जितने जूनियर्स हैं वो सब अदालत से तुरंत निकल गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है ताकि फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके, ताकि यहां से जो आदेश मिलेगा उसे सिर्फ अटैच करना होगा और आगे की सुनवाई हो सकती है उसके बाद। कितना समय लगने की उसमें उम्मीद है कि डिटेल्ड ऑर्डर आएगा और वो हाईकोर्ट में अपील कर पाएंगे? अगर ऐसा आज नहीं हो पाता विद्या, तो फिर अगली प्रक्रिया क्या होगी? जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर जल्द से जल्द देने का वादा तो किया है जज वीवी पाटिल ने, और यही वजह है कि सब लोग इंतजार कर रहे थे। अगर आपने देखा हो, अभी थोड़ी देर पहले ही जो सीनियर काउंसिल है अमित देसाई, वो अभी निकले हैं। हालांकि सतीश मानीशिंदे अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस आदेश का, ताकि आदेश को लेकर वो और उनकी टीम आगे जा सके, लेकिन उनके टीम के कुछ सदस्य ऑलरेडी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। तो इसलिए प्रक्रिया जो शुरू करनी है वो शुरू हो चुकी है। और आप अगर इस पूरे मामले में देखें तो ज्यादातर ऐसे जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें लोग अपना बेल एप्लीकेशन, उन्हें पता नहीं है कि क्या आएगा आदेश, लेकिन वो अपनी अपील की तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। तो इसीलिए वो अपील जो है वो फाइल करने की तैयारी पहले से ही थी, सिर्फ उसको फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हो रही है। इसलिए थोड़ा बहुत समय बस इस वजह से लगेगा, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आएगा उसको अटैच करना है, लेकिन बाकी की प्रक्रिया बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो दर्शक हमारे साथ आज तक पर अभी 3:30 बजे जुड़ रहे हैं,
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल की अर्जी मुंबई के सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, उनकी बेल की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। एक डिटेल्ड ऑर्डर अभी आएगा जिसमें बेल खारिज करने की वजह दी जाएगी। अभी वो डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है। मेरी सहयोगी इस समय विद्या वहां पर मौजूद है और समीर वानखेड़े जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल हेड हैं, उन्होंने लिखा ट्वीट करके सत्यमेव जयते। इस बीच सतीश मानिशिंदे और जो आर्यन खान की टीम है, वकीलों की टीम, यह कहा जा रहा है कि वो सीधे जाएंगे हाई कोर्ट और वहां पर डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद वो बेल के लिए अपील करेंगे। विद्या, अदालत में जब पूरी की पूरी ये अब दलील चल रही थी, अभी समीर वानखेड़े कह रहे हैं सत्यमेव जयते, लेकिन उनकी तरफ से सबूत के तौर पर क्या दिया गया आर्यन खान और बाकी आरोपियों के खिलाफ कि ये केवल एक कंजम्पशन का केस नहीं, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तरफ पॉइंट आउट करने के लिए तो सिर्फ इनके पास व्हाट्सएप मैसेज है। फिलहाल अगर आप देखें इस पूरे मामले में, इनके पास एनसीबी जो है उनके पास ज्यादातर इस पूरे मामले में, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का मामला हो या ये वाला मामला हो, हमने जैसा कि देखा एक स्टेटमेंट, खुद के जो स्टेटमेंट है वो होते हैं और उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस। और यही वजह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जब वो अनिल सिंह खुद आए थे अदालत में तो उन्होंने भी यही किया था कि सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेजेस दिखा दिए अदालत को, स्पेसिफिकली जहां पर कि बल्क क्वांटिटी यानी कि हार्ड ड्रग्स जिसकी कि बल्क क्वांटिटी में खरीदने की बात आर्यन खान कर रहे हैं, उन मैसेजेस को पॉइंट आउट किया गया था और उनसे कहा गया था अदालत से, जज से, कि यही देखिए जो इसी का इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, विदेशी लोग हैं जिनसे वो खरीद रहे हैं, बल्क में बाइंग कर रहे हैं और हार्ड ड्रग्स, और ये पहला नहीं है कि पहली बार ले रहे हैं, ये पिछले कई सालों से ले रहे हैं, ये बात अदालत में बोलने की कोशिश की गई थी। और यही वजह है कि फिलहाल अदालत ने इन सब को कंसीडर करते हुए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का साफ साफ कहना है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं रुका है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बार बार अदालत को यही कह रहे थे कि जांच पड़ताल इस पूरे मामले में सिर्फ इंडिया में नहीं विदेश में भी होगी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। और यही वजह है कि उनका बार बार कहना था कि आप प्लीज हमें ये कस्टडी इन लोगों को मत छोड़िए, इन लोगों को जेल से मत रिहा करिए, क्योंकि अगर ये छूटे तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोड़ा हमारे लिए पैदा हो जाए। यही वजह है कि अदालत ने इसको इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 18 ही दिन हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, चार्जशीट फाइल करने में अभी बहुत लंबा वक्त है, चार्जशीट फाइलिंग के समय में ही तब जाके पता चलता है कि जांच पड़ताल खत्म हुई है। तो यही वजह है कि अभी क्योंकि जांच पड़ताल में थोड़ा लंबा समय है, जो निचली अदालत है उसने यही सही समझा कि इन्हें बेल नहीं दिया जाए। शाहरुख खान को उम्मीद जरूर रही होगी, परिवार को उम्मीद जरूर रही होगी कि आज बेल मिलेगी। हम मेरे सहयोगी पारस हमारे साथ जुड़ रहे हैं मन्नत शाहरुख खान के घर के सामने से, और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है आज इस उम्मीद पर पानी फिर गया अगर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई अभी आगे नहीं बढ़ती तो। गौरव, मन्नत पे लोग मन्नतें कर रहे थे, मन्नतें चल रही थी, दुआएं चल रही थी कि आज आर्यन खान बाहर आ जाएंगे। पूरे परिवार को ये उम्मीद थी, शाहरुख खान को ये उम्मीद थी, गौरी खान को ये उम्मीद थी कि आज जो है आर्यन खान जमानत मिल जाएगी आर्यन खान को, और आर्यन खान जो है वो अपने घर मन्नत वापस लौट आएंगे। मगर ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने उनकी जो बेल है उसको नकार दिया है, खारिज कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से मन्नत पे लोगों की भीड़ होती थी, आज वो भीड़ भी यहाँ नहीं दिख रही है। लोग यहाँ आ रहे थे सुबह जब ऑर्डर आने वाला था, उससे पहले लोग यहाँ आ रहे थे, लोग यहाँ पे प्रार्थनाएं कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि आज आर्यन खान छूट जाना चाहिए, आर्यन खान जो है वो बाहर आ जाने चाहिए, लोग प्रार्थना कर रहे थे। यही उम्मीद थी लोगों के अंदर कि किसी तरह जो है आज आर्यन खान के लिए राहत भरा दिन हो सकता है। आज बहुत बड़ा दिन था इस पूरे मामले में, जब 2 तारीख को क्रूज पे रेड हुई थी, रेड होने के बाद आर्यन खान का नाम सामने आया था, और उसके बाद 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 6 से ज्यादा तारीखें पड़ चुकी हैं, मगर आर्यन खान की बेल पर राहत नहीं मिल पाई है आर्यन खान को। मगर मन्नत के बाहर एकदम सन्नाटा है, यहाँ लोग आए थे, लोग भीड़ इकट्ठा हुई थी यहाँ पे, भीड़ इकट्ठा होने के वहां प्रार्थनाएं कर रहे थे लोग, कोशिश कर रहे थे, उनको उम्मीदें थी कि आज आर्यन खान बाहर आ जाएंगे। आर्यन खान के फैंस को उम्मीदें थी, शाहरुख के फैन को ये उम्मीदें थी कि आज आर्यन खान बेल मिल जाएगी आर्यन खान को, और आर्यन खान जो है वो जमानत लेकर मन्नत पहुंचेंगे। बट इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और आज आर्यन खान को ऑनरेबल सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। बेल क्यों नहीं दी, ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा।
डिटेल्ड ऑर्डर में इसके कारण दिए जाएंगे। मेरी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, जब दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह दावा किया कि यह बल्क डीलिंग है, एक बार नहीं बार बार कंजम्पशन का केस है, बल्क डीलिंग का उस व्हाट्सएप चैट के अलावा कोई सबूत नहीं। लेकिन इन सब आरोपों पर सतीश मानिशिंदे और आर्यन खान की डिफेंस टीम का क्या कहना था? जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जब कंजम्पशन की जो बात कही गई है, हालांकि इनके पास मैसेजेस नहीं है, अगर आप पूरा मामला देखें तो डिफेंस के पास अभी फिलहाल उनको पता भी नहीं है कि क्या मैसेजेस की बात हो रही है, किस चीज का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन और जज के बीच में है। क्योंकि जो निकाला गया है, जो मैसेजेस निकाले गए हैं, वो आर्यन खान को भी शायद याद नहीं होंगे, क्योंकि डिलीटेड मैसेजेस से भी रिट्रीव करके ये सारी चीजें निकाली गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल डिफेंस को जानकारी ही नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के पास है क्या। लेकिन फिलहाल अदालत में प्रोसिक्यूशन के ने जब व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए तो डिफेंस का साफ साफ कहना था, एक कि आर्यन खान विदेश में रहते थे, फॉरेन में रहते थे, और वहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि लीगल है ड्रग लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चरस लेना कोई बहुत आम बात है, और इसी वजह से ये अगर खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने अदालत में सामने रखी, अमित देसाई ने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से, क्योंकि एजी अगर आपको याद हो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बार बार कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें कोड लैंग्वेज में बात की गई हैं, जैसे कि फुटबॉल का जिक्र है, जो फुटबॉल एक्चुअली एक कोड वर्ड है, ऐसा एजी ने अदालत में कहा था। लेकिन इनका कहना था डिफेंस का कि ये जो कोड वर्ड की बात कर रहे हैं, ये दरअसल जो इस जनरेशन के जो लोग हैं, अभी इस जनरेशन में जो नए जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जिस भाषा में बात करते हैं वो एनसीबी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 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 ऑफिसर्स हैं, शायद उनको नहीं समझ में आती होगी। इसी वजह से शायद ये पूरा मिसप्लेस्ड है, ये पूरे की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये इस बात का दावा किया था। हालांकि एएसजी ने साफ कह दिया था अमित देसाई को उसी समय कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है तो इस तरह की बातें आप मत करिए। तो अदालत में फिलहाल प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कहा गया है उसको तवज्जो देते हुए अदालत ने ये बेल रिजेक्ट किया है। ठीक, रहिए मेरे साथ। उम्मीद थी वकीलों को कि आज बेल मिल जाएगी, उम्मीद थी परिवारों को आज बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल की अर्जी खारिज कर दी मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने, जज स्पेशल जज वीवी पाटिल ने। क्या कहना था वकीलों का, सुनिए। ऐसा अजम्पशन प्रिजम्पशन तो यही है कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी वालों को कमर्शियल क्वांटिटी से जोड़ा जा रहा है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। तो उसके बेसिस पे ही हुआ रहेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आगे किस तरह से लेके जाएंगे इस केस को, बताइए। अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट पहले अप्रोच करना है, पहले तो इम्पोर्टेंट ये कि बेल पे सब बाहर निकले। नहीं, अभी तो पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, और जैसा अगर आज उम्मीद है कि अगर आज आ जाता है हाथ में, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 तक या 5 तक मूव करने के लिए, वरना कल ही मूव करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में आपको नई दलीलें रखनी पड़ेंगी कोर्ट में? नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और रहेंगे, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं, डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पे कवर होगी। यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर नाउ। सो विल यू अप्लाई फॉर इन द हाईकोर्ट? वंस वी रीड द ऑर्डर वी विल डिसाइड। विल यू अप्लाई इन द हाईकोर्ट राइट नाउ? वंस वी रीड द ऑर्डर वी विल डिसाइड। We haven't yet received the order. What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. You'll have to wait. You'll have to wait for the order now. So, will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So, will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. See, unfortunately, it's an operative part which is passed just now. So, we are waiting for the complete order to come in hand. So, will you move to the High Court? And definitely, we all will be moving to the High Court because that is a remedy available to us right now. But fortunately, if as early as possible, once we get the order in hand, then only we will be able to move to the High Court. It's a big disappointment. It's definitely a big disappointed appointment because we were expecting a positive thing today. Inshallah, umeed hai hame bill mil jana chahiye, taki upar wale ke haath mein. Jo argument hue hain, wo apni taraf se puri unhone koshish kari hai. Koshish lagatar ki hai. सबने आर्ग्यूमेंट की है, सबकी तरफ से पूरी उम्मीद है आज इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए। फिर से आर्ग्यूमेंट, तो उम्मीद यही थी कि बेल मिल जाएगी, ऑपरेटिव पोर्शन विद्या जो कोर्ट में पढ़ा गया उसके आधार पर बेल नहीं मिली। डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें स्पेशल जज वीवी पाटिल ये लिखकर बताएंगे कि किस आधार पर उन्होंने बेल डिनाई की, उसके आधार पर जो वकील है वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे बेल के लिए। लेकिन दिवेश,
जो जो आरोप लगाए गए हैं, और वकीलों का भी कहना है कि स्मॉल क्वांटिटी जिनके पास थी, यानी 5 ग्राम और 6 ग्राम जिनके पास से मिली, उनको बल्क से जोड़ा जा रहा है, उनके आधार पर यह कानून का गलत इस्तेमाल और इन्वेस्टिगेशन का गलत इस्तेमाल है। इस पर एनसीबी का क्या कहना है? जी आपको बता दें गौरव कि डिफेंस अपनी दलीलों में बार बार इस बात को उठाते रही है कि कोई भी जो आरोपी है, 20 कुल आरोपी हैं इस केस में, इसमें सिर्फ आर्यन अरबाज मर्चेंट को जानते हैं और अरबाज मर्चेंट आर्यन को जानते हैं, इसके अलावा कोई भी आरोपी किसी अन्य आरोपी को नहीं जानते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस वजह से कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है वो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्लानिंग थी ही नहीं। पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यही मानना है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ड्रग पेडलर्स से इनके लिंक हैं, और छोटी मात्रा में ड्रग्स हो या बड़ी मात्रा में, ये सारे लोग मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे थे, एक ड्रग पार्टी के तरफ जा रहे थे, जो ड्रग पार्टी क्रूज पर होनी थी उसके लिए प्लानिंग चल रही थी, और उसी के तहत कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन ये सबके सब आरोपियों के ऊपर लगाया गया है, और इसी वजह से कोर्ट को इन्हें बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। जैसा कि विद्या बता रही थी कि कोर्ट में एएसजी पहले भी ये दलीलें दे चुके हैं कि उन्हें विदेश मंत्रालय से अभी इन्फॉर्मेशन लेना बाकी है, अन्य बहुत से आरोपी हैं जिनकी पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है, इसके अलावा कुछ नए आरोपी अरेस्ट हो सकते हैं, 20 कुल आरोपी अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, सबके मोबाइल का डेटा खंगाला जा रहा है, सबके मोबाइल का डंप डेटा एनालाइज किया जा रहा है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों में समय लगेगा। तो जो बचाव पक्ष है वो अपनी दलीलें ज़रूर रख रहे हैं कि किसी के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ, किसी के पास से कम मात्रा में बरामद हुआ या कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद हुआ, तीनों ही में सेक्शंस अलग अलग लगाने चाहिए थे, पर वो तीनों ही चीज़ों को जोड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जोड़ रही है, यही आरोप बचाव पक्ष लगाते आ रही है। और सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी विद्या के पास। विद्या, जो सेक्शंस लगाए गए इस केस में, सेक्शन 27 कंजम्पशन का, 28 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, 29 अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, 35 6 और 5 ग्राम चरस मिले, तो क्या यह केस ज्यादा अजम्पशन ऑफ क्राइम है फिलहाल जो सबूत मिले हैं, और क्या यह एक बड़ी दलील होगी हाईकोर्ट में आर्यन खान और बाकी आरोपियों के वकील की? विद्या, देखिए ये पहली बार तो रिजेक्ट नहीं हुआ, इससे पहले अगर आपको गौरव याद हो तो निचली अदालत में भी रिजेक्ट किया गया था, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अदालत ये यही कहते हुए हालांकि रिजेक्ट किया था कि मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन उस समय भी आर्ग्यूमेंट्स इस बात पे हुए थे, मेरिट्स ऑफ द केस पे 2 बार आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं मेरिट्स ऑफ द केस पे, और बार बार जो डिफेंस है उनकी यही दलील रही है कि ये पूरा मामला एट द मैक्स अगर है तो वो कंजम्पशन का है, जिसमें मैक्सिमम सजा 1 साल की है, उससे ज्यादा की नहीं, और अगर 1 साल की सजा होती है जिनको, उनको रिफॉर्म यानी कि उनको एक मौका दिया जाता है जिसमें उनको क्रिमिनल नहीं ट्रीट किया जाता है, पहली बार अगर कोई ड्रग के साथ पकड़ा भी जाता है तो उसे रिफॉर्म के लिए भेजा जाता है, जैसा कि हमने देखा है इससे पहले, अगर आपको याद हो फरदीन खान का ही मामला था, फरदीन खान कोकेन के साथ पकड़े गए थे लेकिन उसके बाद उनके वकील ने उस जो रिफॉर्म के लिए चले गए थे और उसके बाद उन्होंने पूरा वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके वो निकल गए, तो इस पूरे मामले में जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एट द एंड एनडीपीएस जो लॉ है वो जो स्मॉल कंज्यूमर को एक विक्टिम के तौर पर देखता है, यही दलील बार बार अदालत में दी गई, बड़ी बात, लेकिन क्योंकि बड़ी बात है ये उनकी तरफ से सब कॉन्स्पिरेसी के तहत, बिल्कुल बड़ी बात आर्यन खान के डिफेंस की कि हमारा जो कानून है वो सुधार की तरफ आगे बढ़ता है, रिफॉर्म की तरफ, और जब कम मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं आरोपियों पर तो उनको रिफॉर्म करना चाहिए, पनिश नहीं। लेकिन क्या ये दलील नहीं मानी जा रही है स्तर पर, क्योंकि बेल खारिज कर दी गई है? फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल की अर्जी मुंबई ड्रग्स केस में खारिज कर दी गई है। यह मामला अब हाईकोर्ट में जाएगा, लेकिन उससे पहले सबूत और किस आधार पर यह बेल खारिज की गई? विद्या मेरी सहयोगी हमारे साथ है। विद्या, अब आगे की प्रक्रिया कब और किस टाइम फ्रेम में? जी देखिए, जो ऑपरेटिव ऑर्डर क्योंकि आ चुका है तो इसलिए जो प्रक्रिया है अपील फाइल करने की वो शुरू हो चुकी है,
बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं जो डिफेंस लॉयर्स हैं, लेकिन क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर यानी कि जिसमें कि प्रोसिक्यूशन का सबमिशन, डिफेंस का सबमिशन, फिर जज ने क्यों रिजेक्ट किया है, वो रीजन बताते हुए जो रिजेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें जो डिटेल्ड ऑर्डर में होती है, वो डिटेल्ड ऑर्डर तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जब वो सुनवाई करेंगे वो उनको चाहिए ही होगी, तो तब तक का इंतजार उनको रहेगा कि वो डिटेल्ड ऑर्डर मिल जाए। लेकिन डिटेल्ड ऑर्डर में जहां तक अभी मैंने कुछ लॉयर से बात की, उनका कहना है कि शायद आज रात नहीं तो कल सवेरे तक मिलेगा, और अगर कल तो बड़ी खबर, अगर आज रात नहीं आया डिटेल्ड ऑर्डर तो हाई कोर्ट में बेल की प्रक्रिया और लटक जाएगी। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।